Hey, hi everyone, this is Mayank Kothari, and today this is the third video for SFM improvements, and I'm going to discuss a concept with you. And basically the motive of this video is to share the mistake that everybody is making, or we can say that most of the people are making in this concept, because this concept is used in a lot of chapters. So we need to be aware of that particular point where we can make mistake. So what is that concept? It is about the perpetuity. And what is that mistake? I'm going to share with you after explaining that concept in a while. So let's discuss about the concept. Perpetual cash flows. Let's say you have rupees 10 with you. Sorry, let's say you want to deposit some money with me. ठीक है, आप मेरे पास में कुछ deposit कराना चाहते हैं. मैं banker हूँ, आप customer है. आप मेरे पास deposit कराओगे तो एक interest मैं आपको दूंगा हर साल. आपकी रिक्वायरमेंट है कि हर साल 10 रुपए आपको कैश फ्लो चाहिए. ठीक है, दैट इज़ योर रिक्वायरमेंट. आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा, मैंने बताया कि 10% मैं इंटरेस्ट दूंगा. जो भी अमाउंट आज, ध्यान देना, आज आप डिपॉजिट कराओगे मेरे पास, उस पे मैं 10% के हिसाब से अगले साल से इंटरेस्ट देना शुरू करूँगा. ठीक है, सो आपको चाहिए था 10 रुपए हर साल इंटरेस्ट, मैं वो 10% पे देने वाला हूँ. कब तक? देर इज़ नो मैच्योरिटी, वी आर गोइंग टू डू इट फॉर लाइफ टाइम. सो परपेचुअल किसको बोलते हैं? जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती. नेवर एंडिंग कैश फ्लोज एवरी ईयर, दीज आर गोइंग टू अकर. दीज आर द परपेचुअल कैश फ्लोज जो 10 रुपये मैं आपको देने वाला हूँ. तो क्वेश्चन ये है कि आपने आज मेरे पास कितने पैसे जमा कराने चाहिए, डिपॉजिट कराने चाहिए, कि उस पे 10% के हिसाब से मैं हर साल आपको 10 रुपये दूँ. सो दिस एंटायर क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी, बिकॉज मैंने आप बहुत ही इजी कैश फ्लोज या छोटे कैश फ्लोज लिए हैं और परसेंटेज लिया, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर ये है कि 100 रुपये. 100 रुपये आज आप मेरे पास जमा कराओगे तो उस पे 10% के हिसाब से अगले साल से मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा. आई एम जस्ट फोकसिंग on particular those were twice, so please pay attention. I'm going to tell you at the end what exactly is that. तो 100 रुपए क्या है? वो 100 रुपए आने वाले 10 रुपए जो है हर साल के perpetually आने वाले 10 रुपए की 10% से present value है 100 रुपए. So अगर मैं बोलूँ कि perpetuity की value क्या या perpetuity कितनी, that is 100 rupees. नाउ प्लीज़ पे अटेंशन कि ये 100 रुपीज़ का टाइमिंग क्या है? 0. और वो जो 10 रुपये, पहला 10 रुपये शुरू हो रहा है वो है फर्स्ट ईयर के एंड में. ये दोनों एक टाइमिंग के नहीं हैं. आज अगर आप जमा कराते हो 100 रुपये तो अगले साल से परपेचुअली आपको मिलना शुरू हो जाएंगे. सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर परपेचुअटी कि परपेचुअटी वैल्यू इज इक्वल टू एनुअल कैश फ्लोज डिवाइडेड बाई द रेट ऑफ इंटरेस्ट. एनुअल कैश फ्लोज 10 रुपीज़ डिवाइडेड बाई द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, यू विल गेट द वैल्यू 100. तो ये 100 की टाइमिंग है 0. वो जो 10 रुपये न्यूमरेटर में दिख रहा है उसकी टाइमिंग है फर्स्ट ईयर का एंड. नाउ ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज परपेचुअटी, ये यूज होता है कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर में, जो कि न्यू सिलेबस में नहीं है. सो दिस इज फॉर ओल्ड सिलेबस. लीजिंग वाले चैप्टर में, अगेन दिस इज फॉर लीजिंग में आई थिंक कम होता है. डिविडेंड वाले चैप्टर में होता है बहुत जगह पे. गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल एंड वॉल्टर्स मॉडल में ये यूज होता है. But again, this is not in a new syllabus, so this is only for the old syllabus students. After that, it is used in derivatives, it is used in mergers and acquisition, corporate valuation in new syllabus, security valuation. बहुत सारे chapters में ये छोटा सा concept है जो use होता है, and most of the time we make this mistake. And what is that? बहुत बार question में आपको ये दिया हुआ होगा कि भैया 4 साल तक ये cash flows होंगे और 5वें साल से, ध्यान देना, 5वें साल से परपेचुअली आपको मान लो 3,20,000 रुपये की कैश फ्लोज होगी. तो परपेचुअल कैश फ्लोज कब शुरू हो रही है? 5वें साल से. अब आपके सामने सिचुएशन होती है कि आपको उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है. उन 4 साल के कैश फ्लोज की तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल के 0 टाइम पर रख दी. जो 5वें साल से चालू हो रही है एनुअल कैश फ्लोज परपेचुअल, उसकी जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, या परपेचुअटी की वैल्यू निकालते हैं, वो 5वें साल के एंडिंग में नहीं आएगी, वो 4थे साल के एंडिंग में आएगी. क्योंकि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि परपेचुअटी की 100 रुपये की वैल्यू अगर 0 टाइम पे है तो फर्स्ट कैश फ्लो फर्स्ट ईयर के एंड में होगा.
तो अगर कोई कैश फ्लो यहाँ हो रहा है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू यहाँ होती है, ना कि यहाँ। तो अब मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर 3,20,000 यहाँ शुरू हो रहे हैं परपेचुअल, तो उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, जो परपेचुअल कैश फ्लोज है 3,20,000 डिवाइडेड बाय लेट से आप 10% करते हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल या के या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये 3,20,000 डिवाइडेड बाय 10% जो 32 लाख आता है, यहाँ से 3,20,000 शुरू हुआ तो ये जो 32 लाख आता है क्या यहाँ पे आएगा? नहीं, ये यहाँ पे आएगा। सो इफ़ दिस इज़ फिफ्थ ईयर दिस इज़ फोर्थ ईयर, इफ़ दिस इज़ फिफ्थ ईयर दिस इज़ फोर्थ ईयर, इफ़ दिस इज़ थर्ड ईयर दिस इज़ सेकेंड ईयर, इफ़ दिस इज़ फर्स्ट ईयर दिस इज़ ज़ीरो। तो इफ़ दिस इज़ फिफ्थ ईयर दिस इज़ फोर्थ ईयर, 32 लाख की कैश फ्लो जो है इसकी टाइमिंग क्या है? फोर्थ ईयर। तो इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या लगेगा? फोर्थ ईयर का लगेगा। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर मेकिंग मिस्टेक्स कि अगर क्वेश्चन में लिखा है फिफ्थ ईयर से परपेचुअल कैश फ्लो शुरू हो रही है, कैश फ्लो शुरू हो रही है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू या परपेचुटी की वैल्यू जो 32 लाख रुपए वो भी फिफ्थ ईयर में लाके आप रख देते हो और उसको फिफ्थ ईयर की फैक्टर से डिस्काउंटिंग करते हो। एंड दिस इज़ वेर यू मेक मिस्टेक्स। दोनों कैश फ्लो सेम कहाँ से होगी? आज आपने 100 रुपये जमा किया तो क्या आज से ही 10 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा? नहीं, 1 साल बाद से। तो जो 1 साल बाद से फिगर मिल रही है उसकी प्रेजेंट वैल्यू 1 साल पीछे जाना पड़ेगा आपको। सो 3,20,000 जो फिफ्थ ईयर से शुरू हो रहा है वो फोर्थ ईयर के एंड में आएगी परपेचुटी, और उसको फोर्थ ईयर का कैश फ्लो लगेगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर डिस्काउंटिंग करने के लिए, क्योंकि फोर्थ ईयर से फिर आपको जीरो पे लेके जाना है उसको। सो मिस्टेक कहाँ करते हैं? आप उसको फिफ्थ ईयर का मान लेते हो, फोर्थ ईयर का मानने की जगह पे। सो दिस इज़ वेयर यू हैव टू इम्प्रूव। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द कॉन्सेप्ट विथ यू एंड यस, देर इज़ वन पर्टिकुलर क्वेश्चन, मतलब ऑन एंड अराउंड मोर देन 200 to 300 पीपल हैव आस्क द सेम थिंग इन दैट क्वेश्चन, जिसमें डिविडेंड का क्वेश्चन, आई थिंक न्यू सिलेबस तो खैर अभी शुरू हुआ है, डिविडेंड का क्वेश्चन है, उसमें 3,20,000 कुछ थर्ड ईयर से शुरू होता है, 8-8 लाख का इन्वेस्टमेंट है, फिर 3,20,000 कहीं थर्ड ईयर से शुरू होता है। तो लोगों का ये बोलना था कि सर सेकंड ईयर के फैक्टर से क्यों मल्टीप्लाई किया, जब 3,20,000 थर्ड ईयर से शुरू हो रहा है परपेचुअली, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू सेकंड ईयर पे आके रुकेगी ना कि थर्ड ईयर पे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। आई एम गोइंग टू कम अप विथ अ न्यू थिंग एंड अ पॉइंट वेर वी कैन इम्प्रूव इन SFM। सो आप अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ही रहे हैं, क्लासेस के नोट्स हो गए एंड प्रैक्टिस मैनुअल एंड ऑल दैट हो गए, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर गलतियाँ भी पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ द थर्ड वीडियो बेस्ड ऑन द परपेचुटी एंड वेर वी कैन मेक मिस्टेक्स। For your kind information, I have received a certified copies of around 7 people. दो लोगों की मैंने सर्टिफाइड कॉपीज़ चेक करके भिजवा दिया हूँ वापस, 3-4-5 जो है और पेंडिंग पड़ी है, ये मोस्ट प्रोबेबली एक या दो दिन में मैं कंप्लीट करके उन लोगों को मेल कर दूंगा। एक बार मेरा 10-15 हो जाता है कॉपीज़ चेक करना, तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू कम अप विद अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, ताकि सब लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट मिले कि वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल आर मेकिंग मिस्टेक। आई एम गोइंग टू शो यू द सर्टिफाइड कॉपीज ऑल्सो, डोंट वरी अबाउट द नेम एंड एवरीथिंग, दैट विल बी लाइक कॉन्फिडेंशियल। सो दिस इज़ माइन कोठारी एंड बाय बाय।